हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरबाब फहीम कासी और आप मुझे देख रहे हैं ऑन oya.com। आज मैं अनबॉक्स करूंगा सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को विदाउट बैटरी वाला, और साथ साथ इस वीडियो के एंड में हम एक गिव अवे अनाउंस करेंगे आप सबके लिए, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं हमारा जो गिफ्ट होगा। तो एक्साइटेड रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो ये है बॉक्स सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G का बॉक्स है, काफ़ी पतला कर दिया क्योंकि इन लोगों ने भी एप्पल की तरह अपने स्मार्टफोन के बॉक्सेस से चार्जर निकाल के फेंक दिया। कोई बात नहीं, चले खैर हो गई। स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त है, ब्लैक कलर का छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है, कुछ मेजर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पीछे भी आप देख सकते हैं कुछ नहीं लिखा हुआ। वारंटी कार्ड मिल जाता है हमें, MNP की वारंटी है, S21 अल्ट्रा लिखा हुआ है, S21 लिखा हुआ है। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड पे हमें गैलेक्सी मिल जाता है लिखा हुआ और राइट साइड पे सैमसंग मिल जाता है। बॉटम पे हमें पता चल जाता है ये 12GB 526 वाला वेरियंट है, फैंटम सिल्वर कलर है ये स्मार्टफोन का। चले जी इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं स्मार्टफोन दिखने में कैसा है। आप देख ही चुके होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं ये स्मार्टफोन दिखने में है कैसा। बॉक्स को खोलते हैं और सबसे पहले हमें मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन, और ये देख सकते हैं आप स्मार्टफोन। ये फैंडम सिल्वर इसलिए क्योंकि है तो सिल्वर कलर, लेकिन ये कलर शिफ्ट कर रहा है। मैं आपको ये भी दिखा दूं साथ साथ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, देखिए कलर शिफ्ट कर रहा है ये। बहुत ही अच्छा कैमरा का मॉड्यूल है यहाँ पे। चलें जी इसको ऑन करके रखते हैं साइड पे और फिर मज़ीद देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कॉन्टेंट मिल जाता है। उसके बाद हमें IMEI स्टिकर्स मिल जाते हैं और मज़ीद बॉक्स में हमें क्या मिलता है देखते हैं। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिल जाता है और उस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और USB टाइप सी टू टाइप सी की केबल मिल जाती है क्योंकि स्मार्टफोन फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है काफ़ी। इतना पैसा जब आप खर्च कर रहे हो और आपको अगर चीज़ें पूरी मिल जाएं तो क्या ही बात होती, लेकिन नहीं, इन लोगों ने चार्जर पहले हैंड फ्री निकाली फिर चार्जर निकाल दिया। कल को ये स्क्रीन निकाल देंगे, उसके बाद स्पीकर निकाल देंगे, उसके बाद सारी चीज़ें निकाल देंगे जो कि फिर फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। फिर स्मार्टफोन मिल जाएगा आपको, फिर हम वापस फीचर फ़ोन में आ जाएंगे। स्मार्टफोन ऑन हो गया है, इसको सेटअप कर लेता हूँ, मज़ीद देखते हैं स्मार्टफोन हमको किस तरह की चीज़ें दे रहा है। वैसे ये बहुत ही महंगा फ़ोन है तो उसमें मैं कुछ भी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा जो कि इसमें कमी हो जिसकी। ठीक है जी, फ़ोन स्टार्ट कर लेता हूँ मैं और सेटअप कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं हमें स्टार्ट करने के बाद। जी फोन स्टार्ट हो गया है, सुपर एमोलेड होने की वजह से कलर तो बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है, परफेक्ट ब्लैक्स हैं इसमें सारे, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा इसके एजेस भी हैं कि नहीं है, देख सकते हैं। वैसे बहुत ही मिनिमल एजेस हैं इसके, जो बेजल्स हैं वो बहुत ही कम हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि बेजल्स भरे हुए हैं जैसे कि आप दूसरे फ्लैगशिप्स की अगर बात करें तो उसमें ऐसा बिल्कुल लग रहा होता है कि भाई स्मार्टफोन को ज़बरदस्ती एजलेस करने की कोशिश की, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त खुशी की बात है कि सैमसंग वो हरकत नहीं कर रहा जो कि दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स कर रहे हैं। स्मार्टफोन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से, काफ़ी थिक और काफ़ी हैवी स्मार्टफोन है। अच्छा जी, इसमें मैंने फिंगरप्रिंट अपना लगा दिया है अनलॉक के लिए, तो फिंगरप्रिंट इसके मिल जाता है हमें डिस्प्ले के अंदर जो कि एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, और सुपर एमोलेड होने की वजह से ये काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है फिंगरप्रिंट सेंसर्स का। तो देख लेते हैं, नॉट सो फास्ट बट फिंगरप्रिंट सेंसर जो स्क्रीन वाले हैं वो इसी तरह ही परफॉर्म करते हैं, मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। बहरहाल हम चलते हैं, इसके बेजल्स दिखा देता हूँ मैं आपको, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत ही इक्वल बेजल्स हैं चारों कॉर्नर पे, मतलब ऐसा नहीं कि नीचे बहुत ज़्यादा ऊपर कम है, नहीं ऐसा नहीं है, तो बहुत ही मिनिमल बेजल्स हैं स्मार्टफोन में।
चलो जी, इसकी मेजर स्पेसिफिकेशन की और फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो हमें फ्रंट में मिल जाता है डायनामिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ स्मार्टफोन मिल जाता है। ये 6.8 इंच का स्क्रीन है, 1440x3200 पिक्सल 20x9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्मार्टफोन है। और आपको वैसे इसमें समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन काफ़ी स्मूथ इसका डिस्प्ले है। साथ साथ हमें इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट जो कि 5G चिपसेट है और 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो उसकी प्रोसेसिंग ऑब्वियसली बाकियों से काफ़ी तेज़, क्योंकि सबसे बेस्ट चिपसेट इस वक्त यही चल रहा है। ठीक है जी, इसके साथ साथ मैं इसकी इंटरनल बता दूं, 12GB और 256GB वाला वेरिएंट है जो हमारे पास है, DS वेरिएंट है ये बेसिकली, और डुअल, मेरे ख्याल से डुअल सिम सपोर्ट करता है, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, हमें सिम इजेक्टर टूल मैं भूल गया था देखना, मेरे को मिल गई, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, उसके साथ साथ हमें जो कैमराज मिल जाते हैं वो बड़े ही, उसकी स्पेक्स काफ़ी उम्दा हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा मेन सेंसर मिल जाता है जो कि है 108 मेगापिक्सल का, उसके बाद 10 मेगापिक्सल का हमें प्री स्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, उसके बाद 10 मेगापिक्सल का हमें नॉर्मल टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, उसके अलावा हमें 12 मेगापिक्सल का वाइड अल्ट्रा वाइड मिल जाता है जो कि सब कुछ ही आ गया इसके अंदर। ठीक है जी, फ्रंट पे हमें मिल जाता है 40 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे ये वीडियो शूट कर सकता है। और इनमें सैमसंग ने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज़ किया है अपने कैमरास का, तो उसकी वजह से इनमें इन स्मार्टफोन्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है वो है वीडियो अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन। अगर आप वीडियो बना रहे हैं और आपका हैंड शेकी है तो वीडियो शेक नहीं करेगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो एक सैमसंग ने अपने सॉफ्टवेयर में अपग्रेड किया है। मजीद फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो हमें लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं मिल जाता, टॉप पे भी हमें कुछ ऐसा सच खास नहीं मिल जाता, आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ करीब से। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे हमें यहाँ पावर बटन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं, और बैक पे पूरा बहुत ही हसीन सा इसका बैक है, देख सकते हैं थोड़ा सा बम्पी है, इसको भी चेक करते हैं थोड़ी देर में। बॉटम पे हमें मिल जाता है USB टाइप सी कीबोर्ड, सिम ट्रे और स्पीकर ग्रिल। ठीक है जी, ये था इसका फिजिकल ओवरव्यू। बैक से हम देखते हैं इसको, अगर हम फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो कितना बबली होता है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ आपको, अगर सही से नहीं देख रहा मैं आपको ऐसे आइडिया दे सकता हूँ क्या आप किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो बेहतर क्या होगा आप इस पे केस लगा के रखें। ठीक है जी, आप देखते हैं इसकी सिम सिचुएशन, ठीक है जी, सिम सिचुएशन हमें डुअल सिम मिलती है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें हमें डुअल सिम मिल जाता है, जूम हो जाओ भाई, सही है, डुअल सिम मिल जाता है, 2 नैनो सिम हम लगा सकते हैं इसके अंदर, एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड की जगह स्लॉट नहीं है हमारे पास। एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई आज तक कि हम लोग जब अगर मिड रेंज स्मार्टफोन खरीदते हैं उसके फीचर्स ऑलमोस्ट इस तरह ही होते हैं लेकिन वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जैसे कि इसमें आपको हेडफोन जैक कहीं भी नहीं दिखा, सही है जी, मेमोरी कार्ड की स्लॉट नहीं दिखी। ठीक है, क्वाड कैमरा इसमें भी, क्वाड कैमरा उसमें भी, बस इसका 108 है तो 108 की साइज़ भी ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है। बैक पैनल काफ़ी खूबसूरत है, मैट फिनिश के साथ है और बहुत ही हसीन है, मैं इसको अभी चैलेंज हटा ही देता है, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इसको हटाऊं लेकिन खैर हो गई। ठीक है जी, मैट फिनिश है, काफ़ी हसीन है इसका बैक पैनल और मैं काफ़ी पसंद आ गया मुझे ये चीज़। ओवरऑल स्मार्टफोन अभी तक का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग की एस सीरीज़ का है और काफ़ी ही कामयाब स्मार्टफोन है, बैक पे कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहे, काफ़ी मैं आपको दिखा दूँ, स्मजेस बिल्कुल नहीं आ रहे क्योंकि मैट फिनिश है और मेरा कैमरा भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और ये कलर शिफ्टिंग देखें आप, फैंटम सिल्वर का नाम है लेकिन इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे कलर दिख रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये था स्मार्टफोन का ओवरव्यू, चलते हैं एंडिंग पे। सो दिस वॉज द अनबॉक्सिंग ऑफ Samsung Galaxy S21 Ultra। स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी महंगा है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जैसे कैमरा 108 मेगापिक्सल, इतनी बड़ी कैमरे का सेंसर क्या कर सकते हैं। तो मज़ीद इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे हमारे रिव्यू के वीडियो में,
इसकी इमेजेस के साथ इसका सेंसर किस तरह वर्क कर रहा है, इसका प्रोसेसर किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरह का स्मार्टफोन है, डे टू डे यूज में स्मार्टफोन कैसा, बैटरी किस तरह चलती है इसकी, सब बताऊंगा मैं इसके अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S21 का रिव्यू। ठीक है जी, और अब बात करते हैं हम गिव अवे की। तो जी हम गिव अवे करने वाले हैं सबसे जबरदस्त चीज जो कि है कैमोन का एक गिव अवे बॉक्स, जो कि जिसके अंदर हमें मिल जाता है एक ब्रश जो कि हमारी फीमेल्स के लिए है, और साथ साथ इसमें मिल जाता है हमें टेक्नो के हाई पॉड्स जो कि एक जबरदस्त किस्म के पॉड्स हैं, एयर पॉड्स हैं और काफी अच्छा साउंड है। मैंने पर्सनली इनको ट्राई किया, मुझे काफी पसंद आया था। इसके अंदर इसके साथ चार्जिंग केबल मिल जाती है और एयर टिप्स मिल जाता है मजीद इसके अंदर। तो जी ये गिव अवे है आप सबके लिए और हम आपको चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करें और जीतें अपने लिए और अपनी घर वालों के लिए, जिसके अंदर कभी बेगम है, कभी बेटी, कभी माँ है, कभी बहन है, किसी के लिए भी आप ये जीत सकते हैं। और अगर आपको हाईपॉड चाहिए तो भी आप जीत सकते हैं, तो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने का तरीका बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम पे जाएं, सेम वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने पांच किसी भी दोस्तों को टैग करें, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, उन पांचों से भी करवाइएगा। जैसे कि आप सबने ये सब स्टेप्स पूरे कर लिए, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गया, आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे जाना है, सही है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आएंगे आप, सबसे पहले करना है आपने फॉलो, यही वीडियो अनबॉक्सिंग की वीडियो में आपने जाना है, उसके कमेंट सेक्शन में किसी भी अपने पांच दोस्तों को आपने टैग करना है, ठीक है, और नीचे कमेंट करना है डन। जैसे ही आप करेंगे डन, आप पार्टिसिपेट कर जाएंगे इस गिव अवे में, और इसके विनर के अनाउंसमेंट ज्यादा दूर नहीं, बहुत जल्दी मैं इसको अनाउंस कर दूंगा इसके विनर का नाम। तो प्लीज पार्टिसिपेट करें और जीते हैं टेक्नो के हाईपॉड्स और निकिट का ब्रश, मेकअप ब्रश। ठीक है जी, तो ये थी अनबॉक्सिंग और गिव अवे अनाउंसमेंट ऑफ टेक्नो हाईपॉड्स और अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ये कितने डेस्परेट हैं आप इसको जीतने के लिए और इसके रिव्यू में आप मजीद क्या जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मेरा नाम है अरबाब फरीद कासी, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।